नमस्कार दोस्तों, जय माता की। स्वागत है आपका लता पाठक ब्लॉग में। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो शुरुआत की जाए आज के ब्लॉग की। तो दोस्तों, मेरी शुरुआत हो रही है प्रिया वाले कमरे से। तो दोस्तों, मैंने बाहर तो झाड़ू पोछा कर दिया था, तो ये प्रिया के कमरे में जो था कि राशन रखे थे कट्टों में। तो दोस्तों, मैंने सोचा इन्हें डोल में रखूँगी। डोल धो धा के मैंने कब से खाली करके रखा था, पर राशन नहीं रख पा रही थी, ऐसे ही हो जा रहा था। तो आज मैंने कहा पहले यही काम कर लूँ, बाकी काम फिर करते रहूँगी। आज फिर भूल जाऊँगी तो फिर भूल ही जाऊँगी, क्योंकि दोस्तों क्या है कि मैं और काम में लग जाती हूँ, फिर मेरा ध्यान ही नहीं रहता। फिर अब करूँगी ये में ही रह जाता है। हाथों हाथ जो काम हो जाता तो हो जाता है। तो इसलिए मैंने कहा पहले यही कमरा सही कर लिया जाए, उसके बाद बाकी और काम करूँगी। अब देखो, इतने कट्टों में राशन रखा था, अब मैंने डोल में रखा, जगह भी कम हो गई और दिख भी सही रहा है। नहीं तो कट्टे के ऊपर कट्टा रखा हुआ था और राशन भी थोड़ा बहुत है, ऐसा नहीं कि राशन भर के इतना सारा है। दोस्तों, तारा मैडम आई है और मेरे को टाइम नहीं मिल रहा तारा मैडम से बात करने का। तारा मैडम का अपना काम चल रहा है, वो अपना काम करने में बिजी है और मैं अपने काम करने में बिजी हूँ। तारा कहेगी मुझे पूछ भी नहीं थी चाय पानी को, भैया मैं इतनी बिजी हूँ अभी किसी चीज़ के लिए नहीं पूछ सकती। तब भी एक लड्डू खा लिया हमने, अब बना रही मैं नाश्ता। तो भाई, आज मेरा नाश्ता बनने वाला स्पेशल वाला, और दोस्तों पहली बार ही बना रही हूँ मैं ये नाश्ता। तो क्योंकि थोड़ा नयापन भी आ जाएगा, मुँह का टेस्ट भी बदल जाएगा, और दोस्तों दाल तो हमारे घर में वैसे कोई खाता है नहीं, तो मैंने कहा चलो ऐसे बना लें, ऐसे ही खा लें, प्रोटीन भी मिल जाएगा। दोस्तों, मैंने रात मूंग की दाल भिगाई है, ये मूंग की दाल थी मेरे घर में साबुत, ये भिगा दी। अब भिगा के मैं इसको भून लूँगी और इसमें दोस्तों मैंने प्याज टमाटर लहसुन डाल के इसे छौंक लूँगी सूखा। उसके बाद दोस्तों इसमें हरी मिर्च, प्याज टमाटर और क्या कहते हैं कागजी नींबू डाल के खाएंगे, और इसका खाने का मज़ा ही कुछ और होता है, और दोस्तों इससे भरपूर प्रोटीन भी मिलेगा। वैसे तो कोई खाना चाहता नहीं है। नई चीज़ बनाइए, चख के बताना क्या है। गर्म है हाँ, बढ़िया बनता तो प्याज व्याज के साथ। हाँ, प्याज ला देती नींबू के, हमारा हाथ बढ़िया रहे हो इससे। तो भाई, नाश्ता तो कर लिया। नाश्ता करने के बाद दोस्तों मैं किचन में फिर से आ गई हूँ। अब आप भी कहोगे हर समय किचन में ही दिख रही, अभी तो खाना नाश्ता करा फिर खाना बना रही, अब दिन के खाने की तैयारी हो रही है। तो मैंने कहा भाई मैं दिन का खाना बना लेती हूँ, नहीं तो बैठ गई तो बैठे रह जाऊँगी। पहले तो दोस्तों मैं बर्तन मल ली हूँ, बर्तनों का ढेर हो रहा है, इनको मल लेती हूँ। इनको मलने के बाद दोस्तों फिर मैं खाना बनाऊँगी। अब रोटी सब्जी बना लेती हूँ, खाना बनाने के बाद दोस्तों थोड़ी देर तारा के साथ भी बैठ जाऊँगी। तारा वैसे अपना काम करने में लगी है, कह रही मुझसे तुम्हारा तो काम ही पूरा नहीं होता। मैंने कहा सही कह रहे हो, मैंने कहा अपने घर में किसी को भी टाइम नहीं मिलता, चाहे मैं हूँ तुम हो कोई भी हो। दूसरे के घर में हर कोई बैठ जाता, क्योंकि दोस्तों ऐसा होता है घर वाला काम करता, दूसरा जब फ्री है तो अपना काम कर लेता, वही मेरे साथ भी हो रहा है। मैं कह रही ना गड्ढा में हम नहाते, हम थक गए इतने वहाँ पानी में बैठे ही कहाँ। हाँ। जब बैठते तो तभी तो नहाते, तो नहाते ना। हाँ थोड़ा उसमें हाँ। अरे बच्चों, है बच्चों क्या खा रहे हो? रोटी खा रहे हो? चौकट खा रहे, चौकट बाय। तो भाई तारा मैडम आई थी, तारा मैडम भी गई, अब मैं भी बाकी काम करती हूँ। दोस्तों खाना वाना खाया, बर्तन ऐसे ही हैं, बर्तन धोती हूँ, फिर थोड़ा आराम करती हूँ, उसके बाद शाम के टाइम पे देखूँगी काम। दोस्तों शोभा मैडम आई है, मैं और शोभा आज जा रहे हैं सरकारी बगीचे घूमने, क्योंकि गर्मी बहुत हो गई है, तो आजकल हम सरकारी बगीचे जा रहे हैं घूमने, वहाँ ठंडा होता है, अच्छा लगता है। तो मैंने कहा शोभा से चलो वहीं चलते हैं। चलो शोभा मैडम, चलो भी। बैल जी ने घर में तो रोज बैठ गए, और बैल जी ने गंदा कर दिया, अब ये मेरे को आके दोबारा पोछा लगाना पड़ेगा। गर्मी हो रही, बैल जी पानी में भीग रहा, हाँ हाँ टप में बैठ रहा, पानी भीग के अंदर गंदा कर रहा, और एक हमारा गर्मी में एक ये सो रखा बेचारा, और ये बैल जी का स्विमिंग पूल है, ये देखो भीग के आ गया। फिर उधर को अच्छा लगता, नमस्कार बेटा, नमस्कार, ठीक है सी? हाँ, घर के अंदर बैठे बैठे क्या करें, थोड़ा पाँव चला लेते ना, थोड़ा वेट घटा लेते, और खाली बैठे बैठे वेट बढ़ रहा। एक दिन चलने से थोड़ी घटेगा वेट, मेरा घट जाएगा ना। 4 बजे जाओ, 4 बजे इतनी मीठी मीठी नींद आती है, 4 बजे कौन उठेगा? फिर सुबह 4 बजे के टाइम वैसी इतनी नींद अच्छी आती है। आप तो क्या बात है, खुला है माल जा रहा होगा, हाँ गेट खुला है। तो भाई हम पहुँच गए सरकारी बगीचे, और यहाँ आके तो अच्छा ही लगता है, ठंडा हरियाली और चारों ओर से ना, बाकी तो हाँ यही बैठ जाते यार, मच्छरदानी ले आते हैं, कैसे ले आते हैं, यही रहते हैं। सुनो हम इनसे कहेंगे चौकीदारी तुम छोड़ दो, हम कर लेते हैं। मैं तो बाहर सो नहीं सकती, 1 साल क्या हुआ, नहीं मैं तो ऐसे सो जाऊंगी। नहीं, एक बार हम छत में गए, खुले में नींद ही नहीं आती, मैं पूरी रात चारों नजर ही मारने में खड़ी, आगे बारिश खुश होगी, बारिश अब तो जाएंगे नीचे। मैं गर्मी में सोना मंजूर है,
मैं खुले में नहीं सो सकती भैया, क्योंकि सब सोए रहते हैं, नींद इधर से जो आएगा इधर से जो आएगा वाली बात हो जाती है ना। अच्छा ये यहाँ से शॉर्ट अपने घर को जा रहे हैं, बगीचे बगीचे शॉर्ट ना ना बात। अरे नहीं भैया, जिठानी के तुड़वाएगी टांग है जिठानी ना यार, जिठानी देरानियों की टांग तुड़वा के क्या करेगी, रहना नहीं है खाला डूंगी में है। देवर मेरे पास आएंगे लठ लेके, हाँ फिर जेठानी होशियार है, जेठानी अच्छे रास्ते लेके जाएगी। आ जाओ देरानी संभल के आना, हाँ तुम अपना देखो। बगीचे वालों से पूछते हैं, वैसे बगीचे वालों से पता तो कर ले, पूछ के आते हैं। तो भाई तीनों दोस्त बाग घूम के घर अपने अपने घरों को पहुंच गए हैं। और दोस्तों हम बाग से थोड़ा आम मांग के लाए थे बाग वालों से, तो क्योंकि हमने अचार डालना था इसलिए तीनों आम भी लेके आ गए। और दोस्तों घर पहुंची तो किचन में गई, तो किचन में मेरे को तो ध्यान ही नहीं रहा दिन के बर्तन है, तो फिर पहले तो मैंने कहा बर्तन धो लेती हूँ, उसके बाद मुँह हाथ धो के दिया बत्ती करूँगी, फिर मैं दोस्तों बाहर की सफाई करूँगी। कमरे की गंदा हो रहा था तो मैंने कहा उसे शाम को ही करूँगी, बैल जी ने गंदा कर दिया था, क्योंकि शाम के टाइम पर बैल जी पानी में कब भीगता है ना, इसलिए दिन भर वो पानी में रहता, तो मैंने कहा दिन में दोबारा पोछा लगा के कोई फायदा नहीं है। तो किचन का काम निपटा लिया और ये पानी मैंने बोतल खाली थी किनारे कर दिए। अब मैं दोस्तों पहले बाहर पोछा लगा के आती हूँ, यहाँ पोछा पाछा करके दोस्तों फिर किचन में घुसती हूँ, उसके बाद मैं बनाती हूँ खाना। अब दोस्तों किचन में आ गई, अब सबसे पहले तो मैंने रख दी चाय, और चाय पीने का बहुत मन हो रहा है, और अंकित भी आके कहेगा मम्मी चाय नहीं बनाई, तो इसलिए मैंने कहा एक चूल्हे में चाय रख देती हूँ और साथ साथ में और काम कर लेती हूँ। तो दोस्तों देखो किचन का फलावा जो था वो तो समेट दिया है, और उधर मेरी चाय बनी और सब्जी दोस्तों मैंने बना ली थी, तो और साथ में ही मैंने आटा गूंथ के रख दिया था, आटा गूंथा भी मेरा आधा घंटा हो गया था, तो मैंने कहा मेरी रोटी बनाते तक आटा सॉफ्ट हो जाएगा और रोटी भी अच्छी बनेगी, तो मेरा आटा भी मुलायम हो गया, अब मैं बनाती हूँ रोटी। दोस्तों आज वैसे मुझे खाना कम ही बनाना है, क्योंकि दिन में जो खाना खाया था तो खाना पचा भी नहीं है और रोटी अभी बची भी है, तो मैंने कहा थोड़ी बनाती हूँ तो जल्दी बन जाएगा। उसके बाद दोस्तों अभी शाम के टाइम पर घूमने भी जाना, अभी शाम की ड्यूटी भी तो पूरी करनी है। गर्मी के दिन है दोस्तों, अंदर बैठने का मन भी तो नहीं कर रहा, पंखे के नीचे भी कब तक बैठे, और कमरा भी इतना भपका मार रहा, बाहर जरा खुली हवा में घूमो अच्छा लगता है ना बाहर की हवा, तो इसलिए मैं सोची काम जल्दी अभी निपटे तो मैं जाऊँ घूमने, उसके बाद जो काम होगा दोस्तों आगे करूँगी। और आजकल तो डेली हो रहा दोस्तों घूमने जाने का, कभी कभी तो मैं थक जाती हूँ या कुछ तबीयत खराब हो जाती तब नहीं जाती, नहीं तो दोस्तों वैसे डेली जाती हूँ। तो भाई आपसे बात करते करते मेरी रोटी भी बन चुकी है, वैसे तो आज मैंने खाना कम ही बनाना था, क्योंकि दोस्तों बच्चे ये सॉरी हमारे दो बच्चे हैं ना चिमकांडी बैल जी, ये भी खाना नहीं खा रहे, गर्मी हो रही, दूसरा आजकल इनको पेडिग्री ये चीज़ें बहुत मिल रही हैं, अंडा वंडा तो ये खा ले रहे हैं, तो इसलिए रोटी कम खा रहे हैं, तो मैंने कहा मेरे लिए भी सही हो रहा, गर्मी में ज़्यादा रोटी बनाना मेरे लिए भी आसान हो रहा, नहीं तो की वजह से रोटी मुझे ज़्यादा ही पथलनी पड़ती है, तो मेरे को भी काफ़ी आराम है। गर्मियों में तो दोस्तों किचन के अंदर घुसने का मन ही नहीं करता है, पर भाई चाहे अपने लिए तो हमें तब भी करना है, औरों के लिए ना भी करें, अपने पेट के लिए तो हमें किचन के अंदर घुसना ही है। और देख रहे हो मैंने चाय बनाई थी, चाय रोटी भी बना रही साथ साथ चाय भी पी रही हूँ, दोनों काम मेरे एक साथ हो रहे हैं। अब आपसे बात करते करते काम भी मेरा पूरा हो गया। दोस्तों पहले प्रिया थी तो थोड़ी हेल्प हो जाती थी, अब प्रिया भी है नहीं, जब तक प्रिया बाहर गई है तो खुद ही करना पड़ रहा है। खाना बना के आई हूँ और पसीने से यह हाल हो रहा है, इतनी गर्मी हो रही है किचन में तो बहुत ज़्यादा हो रही, किचन के अंदर तो खड़े रहने का मन ही नहीं कर रहा, तो खाना तो बनाना ही है, अब जरा हवा खा लेती हूँ। दोस्तों मेरा घूमने का टाइम हो गया और मैं तो जा रही घूमने के लिए, और अंकित खिला रहा क्या है, पेडिग्री क्या है, पेडिग्री है। हाँ पेडिग्री है, देखो ये बड़े चाव से खा रहा है, इसको इसका टेस्ट अलग होगा ना। आया खा जाए बिल्कुल। दोस्तों हमारी टीम निकल गई घूमने और हवा इतनी अच्छी चल रही है ना, क्या बताओ ये हवा ना घूमने में क्यों लग रही है, घर में नहीं लग रही है ये हवा, घर में नहीं लग रही है, मकानों से बंद हो जा रही, सही कहा, खुले में हवा अच्छी आ रही है, और उस समय भी हम घर गए मेरे को ऐसी गर्मी होगी भपका हो गया, बाहर उतनी अच्छी हवा चल रही थी, तो अभी हम दो तीन राउंड घूमेंगे, उसके बाद हम आइसक्रीम लेंगे, आइसक्रीम खाएंगे, फिर थोड़ी देर बैठेंगे, थोड़ा बातें करेंगे, अपने अपनी कहे कुछ अपनी कहेंगे कुछ उनकी सुनेंगे, उसके बाद अपने अपने लगाएंगे, हाँ फिर अपने अपने घर को प्रस्थान करेंगे। राइट, कल मिलते हैं, ठीक है, बाय, शुभ रात्रि। अंकित वहाँ कुत्तों के पीछे लगा, बैल जी चिमकांडी बाहर आ गए हैं, अंकित उनके पीछे लगा है, और मैं भी घूम घाम के अब घर को जा रही अपने। दोस्तों रात के बज रहे 11:30, खाना खा पी के तो मैं पहले ही घूमने चली गई थी, वहाँ से आई तो दोस्तों थोड़ा कटहल रखा था बाहर से, खाली चार टुकड़े करके बाहर रख दिए मैंने, क्योंकि सुबह काटूंगी नहीं तो पक जाएगा। दोस्तों खाना तो पहले ही खा लिया था मैंने, खाना खा पी के तो घूमने गई थी, वहाँ से आई तो थोड़ा बहुत मैंने घर का जो काम था वो काम किया,
बर्तन छोड़ गई थी, बर्तन वर्तन धोए तो बाकी थोड़ी देर उनके साथ कुत्तों के साथ लगी रही और अपना जो और काम था कर लिया। तो अब सो जाती हूँ दोस्तों, सुबह को भी जल्दी उठना होता है, काम भी पूरा करना होता है, बाहर का भी हो जाता है, फिर आजकल फील्ड में भी जाना हो जा रहा है तो इसलिए, और रात को तो दोस्तों ज़्यादा देर जग नहीं पाती, बीमार पड़ जाती हूँ। तो दोस्तों इसी के साथ आज का ब्लॉग समाप्त करती हूँ, कल फिर मुलाकात करेंगे आपके एक नए ब्लॉग के साथ। तो आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा? अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ कमेंट करके जरूर बताएं। गुड नाइट दोस्तों, शुभ रात्रि, धन्यवाद।